आपने यकीनन परियों, राक्षसों, बड़े बड़े योद्धाओं और कई बहादुर इंसानों की कहानियाँ सुनी होंगी। इनमें से कुछ कहानियाँ किसी महान उपलब्धियों पर आधारित होगी तो किसी के नेक कामों की होंगी। किंतु इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्हें उनके बुरे कामों के लिए जाना जाता है। इन लोगों ने कोई नेक काम नहीं किया, पर अपने हाथों की सफाई के हैरत अंग्रेज हुनर से कई लोगों को कंगाल जरूर किया है। तो आइए आज ऐसे ही कुछ लोगों को जानने की कोशिश करते हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे विवान मौर्य चैनल को और बगल वाले घंटे को भी दबाइए हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सोनिया गोल्डन हैंड। सोनिया गोल्डन हैंड को जुर्म की दुनिया की क्वीन माना जाता था। इसका वास्तविक नाम सोफिया ब्लून स्थे था। 19वीं सदी के आसपास रूस में सोनिया का नाम दूर दूर तक फैला रहा था। उन्होंने बहुत सी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था, किंतु उन्होंने जिस तरह से एक ज्वेलरी शॉप को लूटा था वह हैरान कर देने वाला था। यह उनके जीवन की एक ऐसी चोरी थी जिसने जुर्म की दुनिया में उनके कद को बढ़ा दिया। इस वारदात में सोनिया ने एक मनोचिकित्सक की पत्नी बनकर कीमती गहनों की चोरी को अंजाम दिया था। किस्सा कुछ ऐसा था कि वह योजना के तहत सबसे पहले गहनों की दुकान पर गई। वहां उन्होंने ढेर सारे गहने पसंद किए और दुकानदार से कहा कि उन्हें इसकी डिलीवरी घर पर चाहिए। पेमेंट करने के प्रश्न पर उनका जवाब था कि इन सबके पैसे उनके पति ही देंगे, जो कि शहर के बहुत बड़े मनोचिकित्सक हैं। चूंकि यह एक बड़ा ऑर्डर था, इसलिए दुकानदार ने मालिक कॉरल वॉन मेल हेविस्ट ने इस पर सहमति जताने में देर नहीं की। समय के मुताबिक जब दुकान के मालिक वॉन मेल गहने लेकर बताए गए पते पर पहुंचे तो सोफिया वहां उनसे मिली। उसने उनसे गहने ले लिए और उन्हें पैसों के लिए इंतजार करने को कहा। कुछ देर बाद मनोचिकित्सक दो लोगों समेत आए और वहां वॉन मेल को पकड़ लिया, पागल खाने में दाखिल करवा दिया। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर मनोचिकित्सक ने ऐसा क्यों किया। दरअसल सोफिया वॉन मेल के आने से एक घंटे पहले ही मनोचिकित्सक के पास गई थी और उनसे खुद को एक लाचार लड़की बताया। साथ ही उसने ज्वेलरी शॉप के मालिक वॉन मेल को अपना पति बताया। सोफिया ने कहा कि उसका पति पागल हो गया है और वह उसके सारे गहने बेचने में लगा है। इस तरह सोफिया ने इस वारदात को अंजाम देने में सफल रही। हालांकि कुछ दिनों बाद सोफिया के साथी वोल्फ ब्रोमबर्ग द्वारा धोखे दिए जाने के चलते पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। सोफिया ने कई बार जेल से भागने की कोशिश की मगर असफल रही। अंत में प्रशासन ने परेशान होकर उसे साकलिन द्वीप की जेल में भेज दिया। वहीं उसने अपने जीवन की आखिरी सांसें ली। स्टीफन ब्लूमबर्ग इस कड़ी के दूसरे महारथी हैं। स्टीफन ब्लूमबर्ग 42 वर्षीय स्टीफन ने अपने पुस्तकों के विशाल संग्रहालय को लेकर बहुत प्रसिद्ध हुआ। हालांकि उसने संग्रहालय की सभी पुस्तकें चोरी की थी। उसे 1990 में पुलिस ने किताबों की चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। माना जाता है कि उन्होंने अलग अलग विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों से 21,000 के आसपास पुस्तकें चुराई थी। स्टीफन द्वारा चुराई गई इन किताबों की कीमत का जब आलंकन किया गया तो लोग हैरान रह गए। इसकी कीमत करीब 20 मिलियन डॉलर थी। इस घटना की खबर जब शहर में फैली तो कुछ लोगों ने उन्हें पुस्तक डाकू तक कहकर बुलाना शुरू कर दिया। जब स्टीफन से चोरी के पीछे का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि सरकार किताबों में मौजूद जानकारियों को हमसे छिपाने की कोशिश कर रही है, जिससे वह सार्वजनिक करना चाहता था। स्टीफन के बारे में एक बात अच्छी यह थी कि उसके मन में किताबों को बेचकर अमीर बनने की इच्छा नहीं थी। हालांकि इससे इसका जुर्म कम नहीं हुआ। अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए 4.5 साल की कैद सुनाई थी। जोनाथन वाइल्ड जिसे थीफ लेजर जर्नल के नाम से भी जाना जाता था, वह 18वीं शताब्दी में लंदन के सबसे मशहूर चोरों में से एक थे। 21 साल की किशोरावस्था में ही उनका विवाह हो गया, मगर इस दौरान उनके अपराधी कुकर्मों के चलते उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल में जोनाथन ने धीरे धीरे अपना एक ग्रुप बना लिया और देखते ही देखते वह चोरों के समाज का एक कुख्यात सरगना बन गया। जेल से बाहर आने के बाद उसने चोरों के एक बहुत बड़े ग्रुप का नेतृत्व किया। कहते हैं कि वह लूट के वितरण का संचालन भी करता था। साथ में जो भी अपराधी संगठन को धोखा देता था वह उसे मौत दे देता था। 15 साल तक आपराधिक संगठन का नेतृत्व करने के बाद जोनाथन को एक जुर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया और दोषी पाए जाने पर फांसी दे दी गई। डिक डार्फिन
डिक डार्फिन को इतिहास के सबसे कुख्यात एवं प्रसिद्ध डकैतों में से एक माना जाता था। डकैत के अलावा डिक एक बहुत माहिर घुड़सवार भी थे। उसका जन्म इंग्लैंड के एक्सिस ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था। शुरुआती जीवन में डिक एक बूचर शॉप चलाता था। डकैती की शुरुआत डिक ने दूसरों की भेड़ों व मवेशी चुराने से की। उस समय उन्हें चुराना एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। धीरे धीरे डिक के हौसले बढ़ते गए और यह काम बड़े स्तर पर करना शुरू कर दिया। जुर्म की इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए एक गैंग में शामिल हो गया। इस गैंग के साथ मिलकर वह अलग अलग गांवों में डकैती करता था। साथ ही वह हाईवे से गुजरने वाले राहगीरों को भी लूटता था। इस कारण उसका नाम चर्चे में आ गया। 1737 के आसपास डिक की लूट का खौफ हाईवे से जाने वाले विक्रेताओं के दिल में इस कदर बैठ गया कि बहुत से लोग बाहर जाते समय अपने साथ हथियार लेके जाते थे। उसकी लूट का सिलसिला कितना बढ़ गया था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डिक के सिर पर $100 मिलियन का इनाम रखा गया। आखिरकार डिक को यॉर्क की पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और 7 अप्रैल को उसे फांसी दे दी गई। ये थे दुनिया के कुछ कुख्यात चोर जिन्हें हो सकता है कि बहुत से चोर अपना रोल मॉडल मानते हों, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो हर हफ्ते लेकर आते रहते हैं।